जनता चुनाव के पक्ष में खड़ी है, लेकिन वो चाहती है कि हमारा वोट कहा गया ये मुझे दिखे। ये वही डिवाइस जो है सरकार चुनेगा, उसी डिवाइस से दम पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर करती है ईवीएम के वो आधार बनाकर, तो आप समझिए कि आपका वोट कितना कीमती है। क्या लिखा, कैसे लिखा गया, इसकी कोई जानकारी भारत के जनता के पास नहीं है। आपको सिर्फ ये बताया गया कि आप एक दबाइए या दो दबाइए या दस दबाइए। क्या होगा भाई, एक दबाने से दो दबाने से क्या होगा? ये वोट कहाँ गया, किसको गया? ये फैसला आप नहीं लेते हैं, ये फैसला प्रोग्राम लेता है, एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लेता है। जो प्रोग्राम हम माइक्रो कंट्रोलर 8251 माइक्रो कंट्रोलर में हम डालेंगे, जो सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाएगा वो फैसला लेगा कि हमको किसके आगे ये बात को ले जाना है। अगर और आप सभी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि ईवीएम कैसे काम करता है, ईवीएम कैसे काम करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ईवीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर हमने उसमें कुछ सॉफ्टवेयर लिखा तो वो सॉफ्टवेयर कोई इंसान पढ़ नहीं सकता। जिन्होंने लिखा, क्या लिखा, कैसे लिखा गया, इसकी कोई जानकारी भारत के जनता के पास नहीं है। आपको सिर्फ ये बताया गया कि आप एक दबाइए या दो दबाइए या दस दबाइए। क्या होगा भाई, एक दबाने से दो दबाने से क्या होगा? ये वोट कहाँ गया, किसको गया? ये फैसला आप नहीं लेते हैं, ये फैसला प्रोग्राम लेता है, एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लेता है। जो प्रोग्राम हम माइक्रो कंट्रोलर 8251 माइक्रो कंट्रोलर में हम डालेंगे, जो सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाएगा वो फैसला लेगा कि हमको किसके आगे ये बात को ले जाना है। अगर उनकी इच्छा होगी तो हर दूसरा वोट को ट्रांसफर किया जा सकता है, कि दो वोट कहीं और जाएगा, तीसरा वोट उसमें जाएगा। तो सबसे बड़ी बात जी, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को समझिए कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। आपके वोट की गरिमा क्या हुई, भारत का लोकतंत्र का क्या हुआ? अगर आपने एक दबाया तो वो कहाँ गया, इसका फैसला कौन लेगा? जब कंट्रोल यूनिट में जब हम वोट गिनते हैं तो कंट्रोल यूनिट से पहले वीवीपैट होगा, वीवीपैट में पर्ची प्रिंट होती है। तो जब उन्होंने ये बताया हमें भरोसा देने के लिए, भारत की जनता को भरोसा देने के लिए कि पर्ची प्रिंट हो रही है, तो मैं कहता हूं कि पर्ची में गिनूंगा। क्या तकलीफ है आपको पर्ची को गिन लेने में? अगर हम पर्ची को गिनना चाहते हैं तो क्या नुकसान है आपको गिनने? क्यों आप करते हैं चुनाव से, जब आपके पास वोट है, जब सब कुछ है? तो आपने 50 चुनाव करवाया ईवीएम से, मैं एक चुनाव की मांग करता हूँ कि पहले पेपर से करे और नहीं तो पर्ची को गिने। क्योंकि ये आप प्रोग्राम को नहीं जानते हैं, प्रोग्राम डिजिटल काम करता है, उसमें टाइमर लगा होता है, किस टाइम पर वोट को चेंज किया जाएगा। आपने सुबह में मौका टेस्ट किया 9 बजे, लेकिन जब चुनाव शुरू होता है, मान लीजिए कि मैंने टाइमर लगाया कि 12:55 पर इसमें 500 वोट ऐड हो जाओ, वो हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छोटे से मोबाइल में जिसमें इंटरनेट नहीं होता है आपने सेट किया होगा अलार्म, वो छोटा सा मोबाइल जो होता है नोकिया वाला कीपैड वाला, उसमें इंटरनेट नहीं होता है, लेकिन आपके ऑर्डर को वो लेता है कि 6 घंटे बाद मुझे अलार्म बजाना है। ये कौन कर रहा है, ये प्रोग्राम करता है। तो प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है कि आप मेरी आवाज को भी रिकॉर्ड कर रहे हो जबकि आप हमसे दूर खड़े हैं। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, तो कितना छोटा सा बात है कि 100 वोट को ट्रांसफर करते, 500 वोट को ट्रांसफर करते। एक जिला में 400 बूथ होता है, अगर 10-10 वोट ट्रांसफर किया तो 4,000 वोट ट्रांसफर हो गया। तो मुझे चुनाव से दिक्कत नहीं है, मैं चुनाव के पक्ष में खड़ा हूँ, भारत की जनता चुनाव के पक्ष में खड़ी है, लेकिन वो चाहती है कि हमारा वोट कहा गया ये मुझे दिखे। ये हम किसी के
ने भरोसा नहीं किया कि हमने एक कमाया तो वो चला गया, इसकी क्या गारंटी है? कौन देख रहा है? आप एक बहुत छोटी सी बात समझिए कि आपने एक दबाया और एक वोट पेट्रोल यूनिट में ऐड हो गया। ये किसने किया? ये प्रोग्राम ने किया। प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है ये आप अपने मोबाइल से पूछिए, अपने ही मोबाइल से जो हजारों मैसेज को रखे हुए है। क्या फर्क पड़ता है? सॉफ्टवेयर जो है पूरी भारत में आज आप देख लीजिए सॉफ्टवेयर चर्चा कर सकता है। आपके टीवी का कंट्रोल सॉफ्टवेयर के पास है, आपके टाटा स्काई का कंट्रोल सॉफ्टवेयर के पास है, आपके करोड़ों मोबाइल नंबर का जो मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर से बात करोड़ों मोबाइल का। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, अगर आपके अकाउंट में 1,000 रुपया है और अगर आपने उसमें डाला 2,000 तो आपको मशीन लिख देगा इनसफिशियंट बैलेंस। तो आपके अकाउंट को कौन पढ़ रहा है? उसमें 1,000 रुपया है कि 10,000 रुपया है, ये कौन डालता है? ये प्रोग्राम डालता है। प्रोग्राम समझता है उसमें कितना है, आपने कितना वोट गिराया, कितना वोट गिर चुका है, ये प्रोग्राम जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि वही डिवाइस जो है सरकार चुनेगा, उसी डिवाइस से दम पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का डिक्लेरेशन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर करती है ईवीएम के को आधार बनाकर, तो आप समझिए कि आपका वोट कितना कीमती है। अगर 10 वोट की चोरी की गई एक बूथ पर, तो एक जिला में 300-350 बूथ होते हैं और 3,500 वोट चोरी कर लिया गया और वो एक विधानसभा को जिताने और हराने के लिए काफी। आपको ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। आपने एक दबाया वो इलेक्शन कमीशन में गया, वो कंट्रोल यूनिट में गया। आपने दो दबाया वो कंट्रोल यूनिट में गया। मुझे आप बताइए कि एक और दो में फर्क वो कैसे करता है? एक दबाया मैंने एपल को गया, वो दबाया वो बनाना को गया, तो फर्क कैसे करता है कि एक आया है वो एपल में बढ़ाना है और दो आया है वो बनाना बढ़ाना है? ये काफी प्रोग्राम करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पर्ची गिना जाना ही एक आखिरी उपाय है, नहीं तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सब एक मानसिक गुलाम हो। गुलाम क्या होगा? गुलाम अगर भारत की जनता आजाद है तो भारत की जनता का मांग है कि चुनाव होना चाहिए बैलेट से। इसी के साथ मैं आप लोगों से भी विदा ले रहा हूँ कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। चुनाव के खिलाफ कोई नहीं है, हम चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ है, हम चुनाव के प्रक्रिया के खिलाफ है। हम ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी चाहते हैं चुनाव में कि हमारा वोट सही गया। अगर हम पर्ची गिनना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? इलेक्शन कमीशन बताएगा आपके सामने। और पिछले 10 साल में इलेक्शन कमीशन की भूमिका भारत के लोकतंत्र के खिलाफ रहा है। इसलिए हम आप सबों को आग्रह करना चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर से बचिए और सारे मामले को समझिए कि चुनाव को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाइए।